नाहन शहर के वार्ड नंबर 2 स्थित यशवंत विहार क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। स्थानीय लोग लगातार नगर परिषद व जिला प्रशासन को समस्याओं से अवगत करवाते आए हैं, लेकिन समाधान न होने के चलते स्थानीय लोगों में रोष पनपा है। अब स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो लोग सड़कों पर उतरकर सरकार व प्रशासन के खिलाफ आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। यशवंत विहार क्षेत्र के स्थानीय निवासियों ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र में सड़क, पेयजल, सीवरेज सिस्टम, स्ट्रीट लाइट समेत अन्य मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। कई बार क्षेत्र के लोगों ने डीसी सिरमौर व नगर परिषद को संबंधित समस्याओं से अवगत करवाया, लेकिन समस्याओं का समाधान आज तक नहीं हो पाया है। आज सुबह जैसे आप देख ही रहे हैं पीछे सड़क के हाल, सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़कें हैं। और सब लोग, किसी ने ऑफिस जाना है, किसी का कोई दफ्तर का काम है, किसी का कुछ काम है, सुबह सुबह उठे और सारी गाड़ियां यहां पे फंस गई। और जिसके बाद एक आदमी की गाड़ी तो यहां ढांग में गिरने वाली थी, जबकि हमने विभाग को जो है, कमेटी को कई बार इस बारे में हमारी संस्था ने बताया कि जो है यहाँ सड़कों के हालत, सीवरेज की हालत क्या है, उसके बारे में सारी बातें जो है हमने डीसी साहब को भी, हमने पत्राचारी के माध्यम से उनको भी हमने बताया। तो ऐसी स्थिति में हम लोग यहाँ पर कैसे रहेंगे, जबकि यहाँ पे जो है सीनियर सिटीज़न लोग यहाँ पे रह रहे हैं। क्या हमारा सरकार से और विभाग से ये अपील है कि इसे अति शीघ्र जो है ठीक किया जाए, दुरुस्त किया जाए, अन्यथा हम जो है हमें सड़कों पे आना पड़ेगा और जो है हेजिटेशन करने पड़ेंगे। और यहाँ पे जैसा आप देख ही रहे हैं कि सुबह बारिश होने के वजह से यहाँ पे बिल्कुल रोड ब्लॉक हो गया और करीब करीब यहाँ पे एक दर्जन गाड़ियाँ नीचे ही फंसी है। बहुत सारे बच्चे जो स्कूल जाने वाले थे वह स्कूल नहीं जा पाए हैं, बहुत सारे लोग जो ड्यूटी जाने वाले थे, गवर्नमेंट ऑफिस में जाने वाले थे, नहीं जा पाए। इस बाबत हम लोग कम से कम कोई 6 बार तो कमेटी ऑफिस जा चुके हैं। हमने आदरणीय उपायुक्त महोदय को भी इस बारे में अवगत कराया था, लेटर दिया था इस बारे में, पर अगर आप देखें तो ना इसमें कोई कमेटी वालों ने काम किया है, ना ही हमारे कोई ऐसा आश्वासन मिला है। साथ में इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे तो कहीं पे भी स्ट्रीट लाइट जो भी लगी है, 4 यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगी है, चुनिंदा 4 स्ट्रीट लाइट है, वो भी कभी नहीं जलती है। अगर आप देखें और आप देखें कि पानी की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है, पानी आप देखें बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे करीब करीब आज की डेट में कोई 35 घर यहाँ पे रहते हैं, 12-13 घर ऐसे हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है और करीब करीब वहाँ 96 प्लॉट ऐसे हैं जो बिक चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देखें कि और सभी के मैप अप्रूव कर चुके हैं, अगर कमेटी ऐसे ही करती रही, सभी के मैप अप्रूव करती रही और ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं दे रही है तो अप्रूवल किस बात की दी जा रही है। साथ में ये भी अगर देखें तो पानी की व्यवस्था की अगर बात करें तो पानी यहाँ पे नहीं आता है। अगर कूड़े की बात करें तो कूड़े की गाड़ी 1 महीने बाद आती में सड़कों में आने के लिए मजबूर ना किया जाए। हम लोग सरकार के खिलाफ सड़कों में आए, डिपार्टमेंटों के खिलाफ सड़कों में आए, ऐसी नौबत क्यों? और अगर आप देखें कि अगर नाहन में यह स्थिति है तो गांव में विकास की क्या स्थिति होगी, हम लोग यह बताना चाहते हैं। नगर परिषद नाहन को भी अवगत कराया है और जिन्होंने ये कॉलोनी बनाई है उन्होंने भी अपना दायित्व नहीं निभाया है। रोड, बेसिक मूलभूत सुविधाएं जो यहां पर है, बिजली, पानी, सड़क, रोड, और यहाँ पर रोड का हालत आप देख ही रहे, थोड़ी सी बारिश कल हुई इससे पहले भी, पहले दूसरी साइड से भी रोड क्लियर था, अभी कच्चा रोड तो ऐसे ही है। आज सारी गाड़ियाँ फंसी है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, जिन्होंने ड्यूटी जाना था वो पैदल गए गाड़ी को छोड़ करके। पिछले 2 साल से हम वंचित हो रहे हैं रोड के लिए, बिजली के लिए, सीवरेज के लिए। पानी एक घर का दूसरे घर में गिर रहा है, रोड पर गिर रहा है,
और कूड़े की गाड़ी जो यहाँ नगर परिषद की ऐसी व्यवस्था में कहाँ आएंगी, रोड तक ही हमको कूड़ा लाना पड़ता है और नहीं तो नीचे नहीं आ रही है।